मैं जैसे आपने की अप्रूवल के बाद मैं ये ऑडिट रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मोहतरम हालांकि आपके मुलाहजा के लिए अंजुमन जान साहब ने अपने बैंक के हिसाबात का खुलासा बराए माली साल 2013-14 और 2014-15 मुंसलिक है। इन हिसाबात की जांच के बाद अमूमी नतीजे के इजहार से कबल मैं मुंदरजा ज़ैल अमूर की जानब आप अहबाब की तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ। अक्सर ऑडिट की तरह इस ऑडिट में भी 100% जाँच के बजाय जीदा जीदा हिसाबात की जाँच का तरीका अपनाया गया। ताहम हिसाबी नुक़ नज़र से इन हिसाबात की सेहत पर अतल इम्कान यकीनी बनाया गया है, एतमाद यकीनी बनाया गया है। माली नज़्मो ज़ब्त के मुताबिक दस्तूरुल अमल में बयान करदा तरीक़ार से इन्हराफ की सिर्फ वही निशानदेही की गई है जहाँ ये इन्हराफ गैर मामूली और रिवायात से हट कर हो। कई अमूर में तहकीक की बजाय बयान करदा तफसीलात पर भी भरोसा किया गया है ता वक्त के कोई और सबब मजीद तहकीक की ज़रूरत को लाजिम न कर दे। ये हिसाबात दुरुस्तगी की अमूमी मयार पर पूरा उतरते हैं। चंद अमूर यहाँ इजाफी दरकार हैं जिनका जिक्र इजाफी दरकार है। मजलिस आमला की कार्रवाई का रिकॉर्ड गुज़िश्ता सालों में नस्बत बहुतगी और तफसील से मुरतब किया गया है जो कि लायक तहसीन होने के साथ साथ ऑडिट की बुनियाद यानी किए गए अंदाजात के लिए मजलिस आमला की मंजूरी की तस्दीक में बहुत मौमन साबित हुआ है। ऐसे अखराजात जिनकी मकदार कुल खर्च के 1% से ज़ायद नहीं सामने आए जो ज़ाहिरन अंजुमन के अगराज मकासद के अहम मुताबिक नहीं दिखाई देते, लेकिन चूँकि मजलिस आमला की मंजूरी इन अखराजात को हासिल है लिहाजा इस रिपोर्ट में उनका अलग से तस्करा नहीं किया गया। जो जदीदियत मजलिस आमला के रिकॉर्ड के सिलसिले में सामने आई वैसी ही काबिश मालियात के मैदान में भी दरकार है। रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर मरतब करना ना सिर्फ हिसाबी मामूलत का जरिया होगा बल्कि मुख्तलिफ मद में होने वाली वसूलियाँ और खर्च को अलग अलग रखने में भी मददगार होगा जो कि अंजुमन के हिसाब में मौजूद एक मुस्तकिल कमी है। थर्ड पॉइंट है कि मैं यहाँ दूर समझता हूँ कि मोहतरम ताजुल हसनैन साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनकी गैर मामूली काबिश को खराज तहसीन पेश करूँ जो उन्होंने सारा साल से अंजुमन के हिसाब को हजर मजदूर शिफाफियत के साथ मुरतब करने के लिए अंजाम दी और मुसलसल इस मैदान में सरगर्म अमल है। खुदा उनकी बफिकार में इजाफों का फायदा। अब ये दो साल माली साल 2013 से 2015 का जो बैलेंसेज हैं वो उनकी तरह मैं आपको दिलाना चाहूँगा। इब्तदाई बैलेंस जो 2012-13 का आया था वो है 15,49,749 और 2002 साल में 2013-14 और 2014-15 में जो कुल आमदन हुई उसमें 1,03,689 की कुल आमदन हुई जिसमें 1,74,000 खवातीन के शोबे से आमदन हुई थी। इसके अलावा जो खर्च हुआ है वो उसकी तस्वीर मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इसमें 1,74,000 खवातीन के शोबे में खर्च हुए थे और बाकी खर्च की तस्वीर है कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में आज़ादारी की महफिल में जो टोटल खर्च हुए थे वो थे 29,78,482 और जश्न और महफिल में जो खर्च हुए थे 1,82,266 और दर्स वगैरह में जो खर्च हुए थे वो 11,200 रुपीज़ हैं। टोटल खर्च जो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खर्च हुए तो 31,71,948। इसके अलावा फलाही और इमदादी कामों में जो खर्च हुए थे उसमें इमदाद मुस्तहिकीन 9,42,230 रुपीज़ और मेडिकल सर्विसेज में 2,92,398 रुपीज़। रमज़ान रोशन प्रोजेक्ट में दो साल में 17,42,789 रुपीज़ खर्च हुए और असीराने साने आशूरा के ऊपर जो खराजात है वो है 9,07,966। तो फलाही और इमदादी कामों में जो टोटल खर्च हुए वो 38,85,383 रुपीज़। इसके अलावा समाजी अमूर में जो कुछ खर्च हुए थे 2013-14 और 2014-15 में उसमें एहतजाजी मुजाहरों में टोटल खर्च हुए 18,635 और समाजी सरगर्मियाँ और दीगर तनजीमों की मुआवनत में
1,30,234 रुपीज और अंजुमन से मुतालिक इज्तमाही नशिस्तों में 1,28,474। तो टोटल सोशल एक्टिविटीज में जो हमारे खर्च हुए हैं वो हैं 2,60,343। इसके अलावा असासा जात में जो खर्च हुए उसमें देखभाल इस्लामिक सेंटर में टोटल खर्च 4,14,523 और उजरत मुलाजमीन में 8,63,694। अखराजात बराए आमदन बॉक्सेस के ऊपर जो खर्च आए थे उसमें 59,150 रुपीज़ कर गए और नए असाजात की परचेज में 4,88,758 रुपीज़। कानूनी मुशावरत में 78,000 रुपीज़ खर्च हुए। बिल यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे 2,57,141 खर्च हुए और टोटल असाजात पे जो खर्चा हुआ वो बनता है 21,61,266। तो टोटल खर्च जो दो साल में हुआ है वो है 94,78,940। तो अगर आप आमदन को देखें तो कुल आमदन हमारी 2002 साल आमदन जो हुई थी वो 1,03,3,689। उसमें अगर आप साका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ऐड करें वो है 15,49,749। तो कुल आमदन दो साल में हुई 1,15,53,438। और टोटल खर्च जो दो साल में हुए वो 94,78,940। तो बैलेंस जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है कैरी फॉरवर्ड वो 20,74,498। इसके साथ ये हमारी रिपोर्ट थी जिसमें हमने आमदन और खर्च देखे। ठीक है।